नमस्कार दोस्तों, मैं रवि व्यास आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जनरल IQ पे स्वागत करता हूं। आज अपने इस वीडियो में देखेंगे कि कैसे एक क्यूब का जिसका प्रत्येक भुजा का रेजिस्टेंस R है उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं और कंडीशन जब दी गई हो क्या डायगनली अपोजिट। डायगनली अपोजिट का मतलब कि अगर मैं इस टर्मिनल पे और यहाँ से इस टर्मिनल पे अगर मैं चेक करना चाहूँ इन दोनों के बीच में R इक्विवेलेंट क्या होगा, इसके बारे में आज अपने इस वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं। तो आज अपने इसको देखेंगे कि पहले तो देखते हैं याद करने के तरीके से कि अगर कोई क्यूब दिया गया हो उसका रेजिस्टेंस प्रत्येक भुजा का R हो तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होता है। इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होता है, 5/6 R। आप याद करना चाहें तो इसे याद कर सकते हैं। इसी वीडियो में अपने देखते हैं कि ये 5/6 R आया कैसे, क्योंकि याद की हुई चीज़ अपने भूल सकते हैं लेकिन समझी हुई चीज़ जो है वो अपने कभी भी नहीं भूलते। तो मैंने माना यहाँ ये डायगनली अपोजिट दो पॉइंट दिए और यहाँ मैंने एक वोल्टेज सोर्स मान लिया वी, वी वोल्ट की बैटरी दी। जब वोल्टेज सोर्स लगेगा तो करंट फ्लो होगी, तो मैंने माना आई करंट फ्लो हुई, ये करंट यहाँ से यहाँ जा रही है। अब इस पूरे जो है क्यूब में करंट कैसे कैसे डिवाइड होगी वो देखते हैं अपने। सबका रेजिस्टेंस क्या है, आर है, तो हर नोड पे जो है जितनी ब्रांचें होंगी उसमें इक्वल करंट जो डिवाइड होगी। अगर KCL की बात करें अपने तो यहाँ करंट कितनी थी आई। अब यहाँ से तीन ब्रांचें कौन सी है, एक ये रही और एक ये रही, तीन ब्रांच जा रही है, टोटल करंट कितनी आई, तो तीनों ब्रांचों में जो है इक्वल करंट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। तो I/3 इस ब्रांच में गई, I/3 ही करंट यहाँ चलेगी और I/3 करंट यहाँ इसमें चलेगी, ठीक है जी। अब यहाँ से करंट I/3 कहाँ पहुँची, यहाँ पहुँची। यहाँ कितने ब्रांचेस हैं, एक ब्रांच ये जा रही और एक ब्रांच ये जा रही, तो I/3 करंट यहाँ कितने भागों में डिवाइड होगी, दो भागों में, तो यहाँ चली जाएगी I/6 और यहाँ भी चली जाएगी I/6, ठीक है जी। अब बात करें यहाँ से ये I/3 करंट यहाँ चलेगी, यहाँ से कितनी ब्रांचेस में जाएगी, दो में, एक ब्रांच ये रही तो I/6 चलेगी यहाँ, एक ब्रांच ये रही I/6 चलेगी यहाँ। तो अब यहाँ भी दो भागों में बट गई। अब यहाँ कितनी आ रही है I/6, यहाँ से कितनी जा रही है I/6, तो I/6 प्लस I/6, तो यहाँ कितनी चली जाएगी I/3, क्योंकि ये I/6 यहाँ मिली, ये I/6 यहाँ मिली, दोनों जुड़ी, तो I/6 प्लस I/6 कितना हो गया I/3, तो यहाँ करंट कितनी चलेगी I/3। अब देखते हैं आगे, I/6 यहाँ जा रही है करंट। अब यहाँ देखते हैं ये I/6 यहाँ थी और ये यहाँ कितनी जा रही है I/3, तो ये I/3 जो करंट यहाँ फ्लो हो रही है ये यहाँ कितने भागों में बटेगी, दो में, तो यहाँ कितनी गई I/6 और यहाँ भी कितनी चलेगी I/6। तो अब I/6 यहाँ से आ रही थी, I/6 यहाँ से आ रही है, तो I/6 प्लस I/6 कितना हुआ I/3। फिर यहाँ मैंने देखा I/6 यहाँ से आ रही है, I/6 यहाँ से आ रही है, तो ये दोनों यहाँ जुड़ेगी, तो यहाँ भी कितनी चलेगी I/3। अब देखो ये करंट जा रही I/3, यहाँ से ये करंट आ रही है I/3 और यहाँ से ये करंट आ रही है I/3, तो तीनों करंट कितनी कितनी आ रही है I/3 प्लस I/3 प्लस I/3, तो कितनी होगी I। तो करंट दी कितनी I, वापस मिली कितनी I, इसका मतलब मेरा करंट डिविजन जो वो क्या है एकदम सही हुआ है। अब कोई भी एक रास्ता पकड़ लेंगे करंट फ्लो का और उस पर अपने KVL लगा देंगे। तो मैंने रास्ता माना ये वाला, तो V वोल्टेज सोर्स कितना था V बराबर करंट कितनी है इस पर I/3 इंटू रेजिस्टेंस कितना है R, तो I/3 इंटू R प्लस करंट कितनी है I/6 इंटू रेजिस्टेंस कितना है R, तो I/6 इंटू R प्लस यहां से गया इधर, तो ये I/3 इंटू R प्लस I/3 इंटू R। अब
कॉमन ले लो, एलसीएम लो पहले, तो 6 एलसीएम आया, तो 2 आईआर प्लस आईआर प्लस 2 आईआर, तो 2 और 1 3 और 2 5, तो v बराबर क्या आ गया, 5 बटे 6 इंटू आईआर। इस i को v के बटे में ले जाओ, तो v बटे i बराबर 5 बटे 6 इंटू आर, और v बटे i यहाँ क्या हो जाएगा, R इक्विवेलेंट, क्योंकि टोटल V, टोटल वोल्टेज V, टोटल करंट I, तो टोटल वोल्टेज और टोटल करंट का डिवाइड करेंगे तो R इक्विवेलेंट आ जाएगा मेरे पास। तो R इक्विवेलेंट कितना हुआ, 5 बटे 6 R। तो ये है कि अगर कोई क्यूब दिया गया हो, उसकी प्रत्येक जो भुजा है उसका रेजिस्टेंस R हो, और डायगनली अपोजिट जो है अगर उसने पूछा हो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, तो वो कितना होगा, 5 बटे 6 आर। और ये एग्जाम में 100% पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। आगे भी इस प्रकार से जो है नेक्स्ट वीडियो में भी अपने जो है इक्विवेलेंट सर्किट को, जो रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करेंगे क्यूब की, अलग अलग कंडीशन को देखते हुए। तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।